बरेली उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। बरेली उत्तर प्रदेश का 8वां तथा भारत का 50वां सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला भी है। रामगंगा नदी बरेली जिला की मुख्य नदी है। रामगंगा नदी के किनारे पर बसा बरेली जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 251 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 249 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर बरेली के इतिहास पर नजर डाले तो पता चलता है कि प्राचीन समय में यह जिला रुहेलखंड राज की राजधानी हुआ करता था। उसके बाद से क्षेत्र पर अनेक शासकों ने कब्जा किया। लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले बरेली जिला की कुल आबादी 44 लाख से ऊपर है। धार्मिक दृष्टिकोण से बरेली जिला में 63% हिंदू तथा 35% मुस्लिम धर्म के लोग निवास करते हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से बरेली जिला सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर 1, रेल मार्ग। बरेली जिला में मुख्य रूप से 5 रेलवे स्टेशन मौजूद है, जिसमें बरेली जंक्शन, बरेली कैंट, बरेली सिटी, इज्जत नगर और सिवीगंज। लेकिन 5 रेलवे स्टेशनों में से बरेली जंक्शन जिला का मुख्य रेलवे स्टेशन माना जाता है। बरेली जंक्शन में 6 प्लेटफॉर्म तथा 10 ट्रैक मौजूद है और बरेली जंक्शन लखनऊ मुरादाबाद लाइन, लखनऊ सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, कासगंज लाइन पर स्थित है और इस रेलवे जंक्शन के माध्यम से कई बड़ी बड़ी ट्रेनें गुजरती हैं, जो आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ती हैं। नंबर 2, सड़क मार्ग। सड़क मार्ग के माध्यम से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के बड़े बड़े शहरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बरेली जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 24 और नेशनल हाईवे संख्या 74 गुजरती है, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। इसके अलावा बरेली शहर में मुख्य रूप से 2 बस स्टैंड मौजूद है, सैटेलाइट बस स्टैंड और रोडवेज बस स्टैंड। इन बस स्टैंडों के माध्यम से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा नियमित बस सेवा संचालित की जाती है। नंबर 3, वायु मार्ग। बरेली जिला के बुढ़िया आमत नगर इलाके में स्थित है बरेली हवाई अड्डा। इस हवाई अड्डे के माध्यम से नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आदि बड़े शहरों तक वायु मार्ग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, बरेली जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। बरेली जिला में कई ऐसे घूमने के स्थान है जहाँ पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं। नंबर 1, कारगिल चौक। जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में जुलाई 1999 में पाकिस्तान के तरफ से हुए घुसपैठ और उसके बाद हुए भारत पाक कारगिल युद्ध, जिसका नाम ऑपरेशन विजय रखा गया था, जब भारतीय बहादुर सैनिकों ने दुश्मन को हरा दिया, तब बरेली जिला में उनके सम्मान के लिए कारगिल चौक का निर्माण किया गया था। आज भी राष्ट्रीय पर्व के दिन कारगिल चौक पर ध्वजारोहण किया जाता है, जहाँ पर बरेली के कोने कोने से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। नंबर 2, फन सिटी पार्क। बरेली शहर के पीलीभीत बाईपास के किनारे स्थित है फन सिटी पार्क। यह पार्क स्थानीय पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। इस पार्क में आप झूले, स्विमिंग आदि का मजा ले सकते हैं। नंबर 3, आला हजरत की दरगाह शरीफ। अहमद रजा खानवे बरेली, जो इस्लाम धर्म में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनका दरगाह मुबारक इसी बरेली शहर में मौजूद है। दुनिया भर के मुस्लिम धर्म के लोग अपनी एक प्रमुख आस्था लेकर बरेली में आते हैं और आला हजरत की दरगाह शरीफ की जियारत करते हैं। दरगाह शरीफ भारत में तमाम रहने वाले मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। नंबर 4, रानी लक्ष्मीबाई चौक। अंग्रेजों से देश को बचाने वाले वीर शहीदों में से रानी लक्ष्मीबाई का नाम आदर से लिया जाता है। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। उनके सम्मान में बरेली में एक चौराहा बनाया गया है, जहां उनकी प्रतिमा की स्थापना की गई है। रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष को कोई नहीं भुला सकता। यहां पर भी राष्ट्रीय पर्व के दिन पूरे धूमधाम से इस स्थान को सजाया जाता है। नंबर 5, अहिछत्र मंदिर। बरेली के अलावा तहसील के रामनगर नामक गाँव में स्थित है यह प्राचीन मंदिर। यह मंदिर काफी प्राचीन है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण संभवतः 600 से 1100वीं सदी के बीच में हुआ था। यह मंदिर काफी प्राचीन माना जाता है
और हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र भी है। दोस्तों इसके अलावा इस जिला में और भी कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं जिनकी व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है। अगर व्यवसाय की बात करें तो यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि पर आधारित है। धान, गेहूं, मक्का, ज्वार बरेली जिला के मुख्य व्यवसाय हैं। इसके अलावा यहाँ के उद्योगों में चीनी मिल, तारपीन के तेल बनाने के कारखाने, लकड़ी के फर्नीचर आदि कई छोटे पैमाने पर उद्योग मौजूद है। लेकिन जिला में कोई बड़ा उद्योग न होने के कारण यहाँ के वासी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि बड़े शहरों की ओर रोजगार पाने के लिए पलायन करने पर मजबूर हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित बरेली जिला के बारे में आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। धन्यवाद।